नमस्कार दोस्तों, 12 नवंबर के मॉर्निंग अपडेट में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं मार्केट के रिकैप से। अगर हम कल का मार्केट देखें तो हमारे तीनों ही इंडेक्स जो थे वो गिरावट के साथ बंद हुए थे, और अभी भी मार्केट में जो है बियर रन जारी है। अगर निफ्टी देखे तकरीबन आधा परसेंट डाउन था, बैंक निफ्टी भी आधा परसेंट डाउन, फिर निफ्टी भी आधा परसेंट डाउन था। मार्केट ऑलरेडी परसों के लेवल से नीचे खुले थे, शुक्रवार के लेवल से। निफ्टी 50 स्टॉक्स फिर एकदम से इसमें तेजी आई और 10-20 के अराउंड इसमें काफी तेज गिरावट देखी गई। आईटी स्टॉक्स में बढ़त हमें देखने को मिली और आईटी का टोटल इंडेक्स जो था 5% वीकली अप था। हेल्थ केयर स्टॉक में जो है हमें गिरावट देखने को मिली। ग्लोबल मार्केट की बात करें तो यहाँ पे यूरोपियन और यूएस मार्केट अप था ट्रम्प की जीत के बाद से। एशियन मार्केट में मिक्स ट्रेंड थे। अभी अगर हम स्टॉक्स की बात करें जो खबरों में रहने वाले हैं, तो उसमें देखिए ONGC है, इनके प्रॉफिट में फॉल आया है, तो आज आपको इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिलेगी। हिंडाल्को के प्रॉफिट बढ़ा है 78%, तो आपको तेजी देखने को मिल सकती है हिंडाल्को में। ब्रिटानिया के प्रॉफिट में भी गिरावट आई है तकरीबन 9% की, तो इसमें भी आपको आज गिरावट देखने को मिलेगी। श्री सीमेंट की बात करें तो इन्होंने प्रॉफिट में गिरावट दिखाई है तकरीबन 82%, काफी ज्यादा प्रॉफिट डाउन हुआ है इनका अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें, तो यहाँ भी आपको गिरावट देखने को मिलेगी। NMDC का प्रॉफिट हल्का सा बढ़ा है, तो यहाँ पे आपको हल्की सी तेजी देखने को मिल सकती है। बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इनका भी प्रॉफिट बढ़ा है, तो इसमें भी आपको तेजी देखने को मिलेगी। UPL की बात करें तो इनका जो लॉस है वो तकरीबन 134% अप हुआ है, तो इसमें आपको अच्छी खासी आज गिरावट देखने को मिल सकती है स्टॉक में। वहीं स्टॉक की बात करें जिनमें हमें बढ़त देखने को मिली थी कल, तो वो थे पावर ग्रिड जो तकरीबन 4.5% अप था, फिर ट्रेंट 2.5% अप था, इन्फोसिस 1.5% अप था, HCL तकरीबन 1.5% अप था, और टेक महिंद्रा ये भी 1.5% के आसपास अप था। वॉल्यूम सबसे ज्यादा देखे तो आपको पावर ग्रिड में देखने को मिलेगा। वहीं इस स्टॉक की बात करें जिनमें गिरावट देखने को मिली वो थे एशियन पेंट तकरीबन 8% डाउन, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज 5.5% डाउन, अपोलो हॉस्पिटल 3.5% डाउन, सिप्ला और ONGC। वहीं अगर अभी करंट मार्केट की बात करें ग्लोबल मार्केट की, तो एक यूएस मार्केट में बुलिश ट्रेंड है, यूरोपियन मार्केट में मिक्स ट्रेंड है। अभी जो यूएस के जितने इंडेक्स हैं वो सारे फ्लैट टू नेगेटिव में ट्रेड कर रहे हैं और यूरोपियन सारे बाजार पॉजिटिव है। अभी एशियन बाजार की बात करें यहाँ पे मिला जुला हाल है। निकेई देखिए आपको पॉजिटिव में ट्रेड करते दिखे मिलेगा। ताइवान कोरिया का बाजार जो है नेगेटिव में है, बाकी सब फ्लैट टू पॉजिटिव में है, तो यहाँ पे मिक्स ट्रेंड है एशियन मार्केट में। FII की बात करें देखिए पिछले 5 सेशन से लगातार सेलिंग करे जा रहे हैं, तो ये प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, FII अपना पैसा निकाल रहे हैं, इस कारण आपको मार्केट में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं देखिए DII बाई कर रहे हैं, बट देखिए हमारे उसमें जो है फॉरेन इन्वेस्ट जा रहे हैं, तो ये मार्केट के लिए नेगेटिव है, और जब तक फॉरेन इन्वेस्टर पैसा निकालते रहेंगे तो ये गिरावट देखने को मिलती रहेगी। IPO अभी कोई भी लिस्टेड नहीं है, तो दोस्तों इन सभी लेवल को आप ध्यान में रख के ट्रेड कीजिएगा। धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।